एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, इनमें से कौन सा है जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले आर गिवन रिलेशन आर दिया हुआ है जो कि 2.1 है, 5.1 है, फिर उसके बाद 8.1 है और 11.1 है, 14.1 है और 17.1 है, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको एरो डायग्राम मेथड से इसको करेंगे, एरो डायग्राम मेथड से। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है और ये 1111 सभी में है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक ही के सभी जो है एरो बन रहे हैं, एक ही की ओर सभी बन रहे हैं एरो इस टाइप से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इधर से लिखता हूँ मैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव डायग्राम डैट नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, हेंस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, इसलिए क्या होगा फंक्शन होगा। फिर इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा सेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंपोनेंट्स, जो ये फर्स्ट वाला है कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 5, 8, 11, 14, 17। और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगा हमारा सिंपली 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये रेंज हो गया और ये वाला इसका डोमेन हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही चेकआउट करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो सेकंड पार्ट में भी हमको रिलेशन दिया हुआ है, बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आर जो है दिया हुआ है हमको सिंपली 2.1, 4.2, 6.3, 8.4, 10.5, 12.6 और 14.7, ये हमको दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ड्रा करें और बनाएं तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा, ये हो गया हमारा। तो इनका जो है अगर पेयरिंग करें तो 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है, 14 का 7 के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट्स, hence this relation is a function, ये हो गया। अब डोमेन की बात करें इसकी तो डोमेन क्या हो जाएगा जो फर्स्ट जो है कंपोनेंट लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये 2, 4, 6 ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये हो गया डोमेन। और रेंज की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड कंपोनेंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रेंज हो गया आपका। सेकंड के बाद थर्ड की बात करें हम लोग
तो थर्ड में आपसे आपको दिया हुआ रिलेशन में इस बार कर्ली ब्रैकेट 1315 और 25 ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑर्डर इसका एरो डायग्राम बनाएं तो 1 है और 2 है और 3 5 है। तो 1 का 3 के साथ है, फिर 1 का 5 के साथ है और फिर 2 का 5 के साथ है, ये हमारा इस टाइप से बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर्स 1,3 and 1,5 हैव द फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट्स सेम और वी कैन से डैट द एलिमेंट 1 हैज़ टू इमेजेस 3 and 5 सो इट इज़ नॉट फंक्शन, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट के 2 इमेजेस बन जा रहे हैं तो वो फंक्शन में काउंट नहीं होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम मिल जाएगा तो भी वो फंक्शन में नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। इसका डोमेन हमें बताना है और रेंज बताना है, तो आइए इसको करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है इसमें कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है माइनस मॉड एक्स। तो यहाँ पर हमको जो है, चूँकि माइनस मॉड एक्स है तो यहाँ हम लोग मॉडुलस फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हियर ऐसे हियर ये एफ एक्स जो है हमारा जो कि लेस देन है या फिर इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो इस कारण से ये जो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, तो डोमेन इसका हो जाएगा सिंपली सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड आर। और रेंज की अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन द सेट ऑफ ऑल आर नेगेटिव यूनियन ज़ीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रेंज में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कुछ भी आप रखेंगे वैल्यू तो सॉल्व करने पे माइनस साइन लगा तो उसको माइनस ही कर देगा, तो ये हमको नेगेटिव जो है रियल नंबर में आंसर दे देगा रेंज में। और अगर ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो भी आ सकता है, ज़ीरो रखेंगे तो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होगा, तो इसलिए यूनियन लगा के ज़ीरो भी इसके साथ कॉन्सिडर कर लिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड में हमसे जो है एफ एक्स आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट 9 - x² है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी ये 9 - x² जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, इसका मतलब ये हुआ तभी तो ये पॉजिटिव होगी, या तो ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² - 9 हो जाएगा और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इसको रिलेशन पेयर बनाऊँ तो ये हो जाएगा हमारा x+3 और x - 3 लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट में देखें तो एक -3 और 3 आएगा, अगर 3 से ज़्यादा रखते हैं वैल्यू तो ये पॉजिटिव देगा, और 3 और -3 के बीच अगर 0 रखते हैं तो ये नेगेटिव देगा।
एक्स की जगह जीरो रख के चेक कीजिए तो जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, और जीरो प्लस थ्री थ्री, तो थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन होगा जो कि नेगेटिव वैल्यू है। अब माइनस थ्री से कम रखते हैं माइनस फोर, तो माइनस फोर और प्लस थ्री क्या हो जाएगा माइनस वन, और माइनस माइनस थ्री और माइनस सॉरी माइनस फोर और माइनस थ्री तो माइनस सेवन, तो माइनस वन इंटू माइनस सेवन प्लस सेवन आएगा, यानी हमको वैल्यू माइनस थ्री से कम रखने पे पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला होगा, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर इसका हो जाएगा एक्स के मान हो जाएगा माइनस थ्री से प्लस थ्री तक जो है ये जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा जो है डोमेन यहाँ पर लिखेंगे कि डोमेन हो जाएगा हमारा माइनस थ्री से थ्री, और माइनस थ्री से थ्री डोमेन हो गया। तो अब आते हैं रेंज की बारी निकालते हैं, यानी इसको अगर हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि x सच डेट x इज द एलिमेंट ऑफ R एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री बट लेस देन आर इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया डोमेन, अब रेंज निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं रेंज के लिए। तो यहाँ पर रेंज अगर हम लोग निकालें तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो सबसे पहले एफ एक्स हमारा रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं एफ एक्स को वाई भी लिख सकता हूँ, वाई नाइन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करें अपने इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, जो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन आर इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको अगर रखते हैं हम लोग यहाँ लिखें पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इस वैल्यू को रखते हैं तो हो जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से नाइन नाइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो, यानी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो वाई की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन हम लोग ये चीज़ गौर करें अगर, तो यहाँ लिखेंगे बट y कैन नॉट बी निगेटिव, y कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी बाहर आएगी वो प्लस पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ लिखेंगे y कैन नॉट बी निगेटिव, ऐसे लिखेंगे y कैन नॉट बी निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट कॉन्टेन निगेटिव वैल्यू, therefore y is greater than or equal to zero होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों को क्या मिला कि जो x इक्वल टू हमारा है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से हमको क्या मिला कि जो x स्क्वायर है वो माइनस नाइन माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, यानी जो नाइन माइनस वाई स्क्वायर है ऐसे लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, यानी चूँकि जो है ये जो है कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी वाई स्क्वायर माइनस नाइन इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा वाई माइनस थ्री और ये वाई प्लस थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया y की वैल्यू माइनस थ्री से प्लस थ्री। तो रेंज हो जाएगा हमारा सिंपली ये वाला माइनस थ्री और थ्री, यानी निगेटिव तो हो नहीं सकता y कभी, क्योंकि y क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो जीरो से तीन होगा, यही यहाँ लॉजिक लगनी थी। तो जीरो से थ्री होगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y सच डेट y इज़ द एलिमेंट ऑफ R और y is greater than or equal to 0 but less than or equal to 3, यही हमारा आंसर हो गया।
अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें सेकंड के बाद अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ज़ीरो, एफ सेवन, एफ माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, अगर हम लोग इसको निकालें तो ये हो जाएगा एफ ज़ीरो। तो एफ ज़ीरो में क्या हो जाएगा, चूँकि एफ एक्स हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2x-5 है, तो यहाँ x की जगह 0 पुट आउट कर दीजिए तो 2 इंटू पहला पार्ट है ये 2 इंटू 0-5, तो -5 आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें इसी में, तो ये f 7 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7-5, तो ये 7 × 14-5 यानी 9 हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा f 7 के बाद आपसे कह रहा है -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3-5, तो ये हो जाएगा -6 और -5 -11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टी सी इक्वल टू 9C/5+32, फाइंड दीज वैल्यूज। तो इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले टी सी आपको दिया हुआ है 9C/5+32, तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है टी ज़ीरो, तो c की जगह 0 रख दीजिए तो 9/5 × 0+32, तो ये 32 हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड में आपसे कह रहे हैं t 28, तो c की जगह इस बार 28 रख दीजिए +32, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18, 252/5+32 जो कि हो जाएगा 252 + 160/5 जो कि हो जाएगा 412/5। फिर थर्ड पार्ट में इसी के क्या कह रहा है कि t-10 बताइए, तो यहाँ पर भी 9/5, c की जगह पे -10 रख दीजिए +32, तो ये 5 × 2 = यानी -18 + 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 14। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212, सी का मान बताइए अगर टी सी जो है 212 दिया हुआ है, तो 9C/5+32 = 212, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 9C/5 = 212-32, तो ये हो जाएगा 180, तो C क्या हो जाएगा 5/9, तो ये हो जाएगा 100, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब जो है हमारा फोर्थ भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन एक बच रहा है फिफ्थ, इनमें आपसे कह रहा है कि बताइए फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, रेंज आपसे पूछ रहा है। पहला इसमें पाँचवें का पहला, इसमें एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2-3x, एक्स एलिमेंट है आर का और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल कर लीजिए 2-3x, इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 3x हो जाएगा आपका 2-y, तो x क्या आ गया 2-y/3, तो ये हो गया x 2-y/3। अब यहाँ पर गिवन में क्या है कि x जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, x क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे given x greater than 0 put the value of x from equation first, तो ये चीज़ गिवन में है हमको, तो x की वैल्यू क्या है 2-y/3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 2-y/3 greater than 0, तो ये 2-y greater than 0, therefore this is ये आ गया हमारा, तो यहाँ से हमको क्या मिला कि जो y है वो 2 से कम है, यानी इसका आंसर क्या होगा, therefore range is equal to 2 से कम है यानी -∞ से 2 तक जो है ये जाएगा, और इसको अगर इस टाइप में भी लिख सकते हैं y such that y is the element of R and y is less than 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड और थर्ड को हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो सेकंड में हमसे कह रहा है कि अगर एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाए,
तो इसको भी y के इक्वल कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 2, इससे जो है x स्क्वायर निकाल लीजिए 2 माइनस वाई, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहाँ पर सॉरी ये y माइनस 2 होगा, ये आया। तो यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो y माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फिर y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y ग्रेटर देन 2 है, अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करें तो ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली रेंज इज इक्वल टू 2 से इन्फाइनाइट, ये हो गया हमारा। और हाँ, 2 से इनफाइनाइट हो गया। और इसको सच डेट में क्या लिख सकते हैं कि y सच डेट y इज़ द एलिमेंट ऑफ r एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड में आते हैं हम लोग। तो थर्ड में y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा x के इक्वल है। तो यानी y इज इक्वल टू x है और x y के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x भी रियल नंबर होगा तो y भी रियल नंबर होगा, y रियल नंबर होगा तो x भी रियल नंबर होगा। देयरफॉर रेंज हो जाएगा सिंपली y सच डेट y इज द एलिमेंट ऑफ R, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया 2.3। अब हम लोगों का मिसकेलेनियस बचा है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।